नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आरसी सर्किट का डिटेल एक्चुअली इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये आरसी सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, और दूसरा ये हमारा एक ट्रायंगल डायग्राम है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो वीसी जो है वोल्टेज वो लैग कर रहा है करेंट से, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से जो है लैग करता है। ये हमारा आरसी सर्किट है। तो अपन जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन कैपेसिटेंस इक्वल्स टू आई टाइम वीसी हो गया। आई क्या है, हमारा करंट है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं आगे यहाँ पे, वोल्टेज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर। तो इसको आगे भी अगर और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आई आर स्क्वायर उसके प्लस वी सी को लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन आई वी सी लिख सकते हैं स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, फिर आगे अपन ये लिख सकते हैं, अगर भी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आई जो है करंट अगर बाहर स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी रिएक्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई जेड। तो अपने पास जो है भी इक्वल्स टू क्या हो गया, आई जेड आ गया। तो यहाँ पे वेयर अपन लिख सकते हैं, और जेड क्या है हमारे पास, इम्पीडेंस है, जेड इक्वल्स टू इम्पीडेंस। आगे अपन ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि करंट इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो इसको जो है अपन और भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, और इम्पीडेंस इक्वल्स टू लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो अपन ये देख सकते हैं जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं इम्पीडेंस स्क्वायर। जैसे इसका अगर बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा, तो इम्पीडेंस का स्क्वायर, और इसको भी स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। देख सकते हैं इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, फिर एक जो है ट्रायंगल डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, तो अपन इसका रेजिस्टेंस ए डैश ओ डैश और यह हमारा बी डैश हो गया। उसके बाद यहाँ से जो है अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या है, इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इसको लिख सकते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये क्या है हमारा, इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल है। तो यहाँ से क्या है, करंट जो है दिख रहा है अपने को, वोल्टेज से जो है लैग कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके,
करंट आई लैक्स द अप्लाइड वोल्टेज भी बाय एंगल थीटा बाय एंगल थीटा। तो अपन आगे भी देख सकते हैं इसको और भी सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। तो अपन ये देखेंगे, जैसे ये हमारा साइन का ग्राफ हो जाएगा, तो इससे आप समझ लेते हैं। तो हमारा जो है यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, और ये हमारा करंट हो गया, और ये हमारा जो लैग कर रहा है थीटा वो आपको दिख रहा होगा, और ये हमारा हो गया इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो है हम लोग और भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स सी बाय बी आर इक्वल्स टू टेन इनवर्स आई बी सी बटे आई आर, करेंट अगर कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं काफ़ी आसानी से, टेन इनवर्स वी सी बाय बी आर। तो इसको जो है और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू टेन इनवर्स आई एक्स सी बटे आई आर, करेंट को अपन कैंसिल कर देंगे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर, और भी हमारा जो है वी एम साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं वी एम बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। काफ़ी आसान है, आप एक्चुअली ये इम्पीडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, ये सब एक्चुअली बना के जो है काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको आरसी सर्किट के बारे में जो है